हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सात ऐसे बेस्ट बजट गेमिंग फोन के बारे में जो कि 15,000 के अंदर आता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही पांच मतलब कि सात आपको पांच नहीं सात ऐसे मोबाइल के बारे में बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना मत भूलिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और मेरे वीडियो जो है वो पहली बार देख रहे हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और दोस्तों, अगर आप मुझे सोशल मीडिया नेटवर्क पर फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जल्द से आप मुझे फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव और आप लोग देख रहे हैं बेस्ट मजा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ पांच से ज़्यादा ऐसी गेमिंग फ़ोन के बारे में जो 15,000 के बीच में आता है, मतलब कि 15,000 के अंदर आता है। तो चलिए देख लेते हैं पांच से ज़्यादा यानी सात फ़ोन आपको दिखाने वाला है। सबसे पहले अगर 15,000 के प्राइस में अगर बात करते हैं तो दोस्तों, ऑनर का 9X Pro आता है, जहां पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी साथ में आता है। इसका जो प्रोसेसर है वो है किरिन 810 वाला प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलता है और इसमें आपको 2.27 GHz का 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। 4000 mAh का बैटरी आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दोस्तों नहीं है। इसका जो एक ही वेरियंट है जो कि है 6 प्लस 256 GB का जो वेरियंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 14,999 यानी आपको 15,000 रुपये में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको कोई भी गूगल मोबाइल सर्विस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको Huawei मोबाइल सर्विस का ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर बात करते हैं दूसरे फ़ोन के बारे में जो 14,000 की प्राइस रेंज में आता है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा दो फ़ोन, जैसे कि आपको Realme 6 और Redmi Note 9 Pro देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले अगर बात करते हैं Realme 6 के बारे में तो दोस्तों, इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो आता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें आपको MediaTek का Helio G90T वाला गेमिंग मतलब कि एक प्रोसेसर आता है जो 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इसमें आपको Quad-Rear कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको क्वाड रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। 4300 mAh का बैटरी इसमें आपको देखने को मिलता है और इसमें आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इसका जो 4GB प्लस 64GB का जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 13,999 यानी आपको 14,000 में ये जो मोबाइल है ये आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर बात करते हैं Redmi Note 9 Pro के बारे में तो दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहां पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 720G वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा जो कि 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको क्वाड रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 5020 mAh का बैटरी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ ये जो फोन है इसका जो मतलब कि 4 प्लस 64 GB वाला जो वेरिएंट है, इसका जो प्राइस है वो है 13,999 यानी आपको 14,000 रुपए में ये जो मतलब कि फोन है ये आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर 13,000 रुपये की मतलब कि 13,000 प्राइस रेंज की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें भी आपको दो फ़ोन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको एक मिलेगा Vivo U20 और दूसरा जो फ़ोन है वो मिलेगा Samsung M21। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं Vivo U20 के बारे में तो दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.53 इंच का फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है और इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जहां पर आपको स्नैपड्रैगन 675 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको 11
नैनोमीटर का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा जो कि है 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आता है और इसका जो बैटरी है वो है 5000 mAh का बैटरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और इसका जो 4+64GB का जो वेरियंट है इसका प्राइस है 12,999 यानी आपको 13,000 रुपये में ये जो फ़ोन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं सैमसंग M21 के बारे में तो दोस्तों ये जो फ़ोन है ये आता है 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ जो कि 60Hz मतलब कि इसका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है। इसमें आपको एक्सिनोस 9611 वाला पुराना बहुत पुराना प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये 10 नैनोमीटर पे बेस्ट है और इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। 6000 mAh का बैटरी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है और इसका जो वेरिएंट है जो 4+64GB का जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 12,699 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों 12,699 रुपये में इसका जो मतलब कि ये जो मोबाइल है ये मोबाइल आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों 12,000 की प्राइस रेंज की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है Realme का Narzo 10 सीरीज। जी हाँ दोस्तों Realme का Narzo 10 जो है वो आपको देखने को मिलता है जहां पर आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो फ़ोन है ये इसका डिस्प्ले है IPS LCD डिस्प्ले और यहां पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही साथ इसमें आपको MediaTek का Helio G80 वाला प्रोसेसर ये आता है इस फ़ोन में। यहां पर आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको मतलब कि क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है और 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसका जो 4+128GB का जो वर्जन है उसका प्राइस है 11,999 यानी आपको 12,000 रुपये में ये जो फ़ोन है Realme Narzo 10 ये आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों और दोस्तों सबसे लास्ट अगर बात करते हैं दोस्तों Redmi Note 7 Pro के बारे में तो दोस्तों ये जो फ़ोन है ये आता है 11,000 के प्राइस रेंज के अंदर। दोस्तों इस फोन में आपको मिलने वाला है 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले जहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 675 वाला 11 नैनोमीटर बेस्ड एक प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। 13 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और इसका जो बैटरी है वो है 4000 mAh का बैटरी आपको इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको 4+64GB का जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 10,999 यानी आपको 11,000 रुपये में ये जो फ़ोन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो बस फिलहाल ये था पूरा वीडियो जो आपको मतलब कि टॉप 7 ऐसे बेस्ट बजट गेमिंग फ़ोन जो मिलता है 15,000 के बीच में। तो दोस्तों आपको ये इस फ़ोन में से कौन सा फ़ोन अच्छा लगा ये मुझे बताइए नीचे कमेंट करके। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और हेल्दी रहिए।